नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सहयोग से हो सकता है किसी कैंडिडेट को बहुत बड़ी अपडेट मिल जाए। आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए जी, जो कि फैमिली आईडी की तरफ से आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। जो कि आपको पता है पिछले दिनों में फैमिली आईडी से ही 10,000 के करीबन बुजुर्गों की पेंशन ऑटोमेटिकली फैमिली आईडी के थ्रू लग चुकी है, और फैमिली आईडी में जो वेरिफिकेशन हुई थी उसकी भी कंफर्मेशन हो चुकी है। और अब इसमें करीबन करीबन 6% में आपका फैमिली आईडी की इनकम वेरीफाई हो चुकी है, और ठीक है जी, और पर्यावरण इनकम का पूरी की पूरी वेरिफिकेशन हो चुकी है। बट अभी तक काफ़ी ऐसे परिवार हैं जिनकी फैमिली आईडी कंफर्म नहीं हुई, और 55 परिवारों का डाटा विभाग को भेज दिया गया है, ठीक है। और वेरिफिकेशन उनकी, अब इनकम वेरिफिकेशन का कार्य प्रत्येक परिवार के घर जाकर करना होगा। ये इनकी कमेटी की लेटेस्ट अपडेट है, जो कि 1,61,172 परिवारों की आय का इनकम का सत्यापन कार्य 6% में पूरा हो चुका है, ठीक है। कैसे वेरिफिकेशन होगी, जो रह गए हैं या जिनकी वेरीफाई नहीं हुई है, कई ऐसे भी परिवार हैं जिनकी फैमिली आईडी आप मान लीजिए इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करते हो तो उसमें वेरीफाइड नहीं बताते, तो ऐसे कई परिवार हैं या जिनकी कईयों की इनकम ओवर लिख दी है, या जिनकी कोई जिन्होंने ग्रेवियंस लगाया, ऐसे बहुत केसेस हैं, ठीक है जी। और जिसके रिगार्डिंग 6% में पहले भी इनकम ऑनलाइन वेरीफाई हो चुकी है, 1,61,000 और 172 परिवारों की, 1,61,172 परिवारों की आय का सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है। अब बाकी जितने भी इनकम है वेरिफिकेशन के केस पेंडिंग हैं उनको जल्दी पूरा हो किया जाएगा। और क्रम के अनुसार बुधवार को संवाद भवन झज्जर में PPPP यानी कि परिवार पहचान पत्र के, झज्जर में परिवार पहचान पत्र कमेटी के तहत हो रही इनकम वेरिफिकेशन को रजिस्टर्ड वॉलेंटियर और विद्यार्थियों की ट्रेनिंग परिवार पहचान पत्र के नोडल ऑफिसर रविंद्र कौशिक और CRID ऑफिस विभाग के DCRIM योगेश द्वारा करवाई गई, जो कि इनको पूरी पूरी वेरिफिकेशन का प्रोसेस समझाया गया। आपने इनकम वेरिफिकेशन कैसे करनी है, जो कैंडिडेट की अभी इनकम वेरीफाई नहीं हुई है, जिन जिन परिवारों की, उन उनके घर घर जाकर अब वेरिफिकेशन की जाएगी। इनकम वेरिफिकेशन भी बंदा क्या काम करता है, कितना काम करता है, और ट्रेनिंग में ये भी बताया गया इनकम वेरिफिकेशन कार्य को प्रत्येक परिवार के घर जाकर ही करना होगा, ठीक है जी। और पूरी की पूरी इनको इंस्ट्रक्शंस भी दी गई है, और ट्रेनिंग देते हुए आय का सही आंकलन करके उसकी जानकारी CRID के निर्धारित एप्लीकेशन के माध्यम से किस प्रकार भरनी है, इस बारे में भी विस्तार से उनको इस ट्रेनिंग में बताया गया, जो कि वॉलंटियर कमेटी के द्वारा तय किए गए हैं। वो वॉलंटियर ही संबोधित करते हुए परिवार पहचान पत्र के तहत की जा रही इनकम वेरिफिकेशन की उपयोगिता के बारे में बताते हुए कहा कि आपके द्वारा किए गए कार्य में अगर पारदर्शिता रहेगी तो सरकारी योजनाओं का लाभ भी सही हकदार को मिलेगा। यानी कि पहले क्या होता था, आपको चक्कर काटने पड़ते थे, आपको इनकम का सर्टिफिकेट और इनकम के और प्रूफ देने पड़ते थे, पूरी डिटेल देनी पड़ती थी। अब क्या है, फैमिली आईडी के माध्यम से ही कोई कैंडिडेट कहता है जी मेरी इनकी इतनी इनकम वेरीफाई है, तो उसको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। खट्टर साहब की तरफ से, जो कि पहले भी आपको पता है, एक फैमिली आईडी के बेस पर जिनकी 1,80,000 से कम इनकम थी फैमिली आईडी में, तो उनको ऑटोमेटिकली, और जिनकी 60 साल एज हो चुकी है, उनको ऑटोमेटिकली पेंशन मिलनी शुरू हो चुकी है, ठीक है जी। उनको पेंशन ऑटोमेटिकली मिलनी शुरू हो चुकी है, और इसीलिए इनकम वेरिफिकेशन हो रही है ताकि सही हकदार कैंडिडेट को ही पूरे का पूरा बेनिफिट मिल सके। सेक्टर कमेटी के तहत सिर्फ वे ही परिवार वेरिफिकेशन के लिए आते हैं परिवार, जिस परिवार की इनकम किसी कारण से लोकल कमेटी द्वारा वेरीफाई होने के बाद वेरीफाइड नहीं हो पाती, ठीक है जी। और उस परिवार का आवेदन इनकम वेरिफिकेशन के लिए सेक्टर कमेटी के पास आएगा। सेक्टर कमेटी में भी लोकल कमेटी के 5 सदस्य होते हैं, जिसमें टीम लीडर की भूमिका में क्लास 2 रैंक का सरकारी अधिकारी होता है। इसके अलावा ऑपरेटर, सोशल वर्कर, विद्यार्थी
और वॉलंटियर भी इस सेक्टर कमेटी के सदस्य होते हैं। इस अवसर पर सीआईआरडी विभाग से राजेश दलाल व अंकित भी उपस्थित रहे और सेक्टर कमेटी के तहत हो रही इनकम वेरिफिकेशन का ये दूसरा फेज है और पहले 450 परिवारों की वेरिफिकेशन भी सेक्टर कमेटी के पास आई थी जो कि पिछले महीने में पूरी कर दी गई है और अब दूसरे फेज में 55 परिवारों का डाटा सीआईडी के पास आया भेजा गया है। ठीक है जी, 450 परिवारों की वेरिफिकेशन सेक्टर कमेटी के पास आई है। अगर सेक्टर कमेटी का कोई भी बंदा आता है वेरिफिकेशन के लिए तो उनको इनकम का सही पर्पज़ बताइएगा ताकि आपकी अगर फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा होगी तो उसी बेस पर आपकी पेंशन कट भी हो सकती है, अगर कम होगी तो पेंशन लग भी सकती है, गवर्नमेंट की स्कीमें भी मिलेंगी जो कि आपको पता है पिछले दिनों ने खट्टर साहब ने एक और स्कीम लॉन्च की है जो कि आपके राशन कार्ड कई कैंडिडेट्स के कट हो चुके हैं जी, कई काफ़ी हैं जिनमें से हम हमारे जैसे भी हैं जिनके राशन कार्ड कट हो चुके हैं क्योंकि उनकी इनकम 2 लाख के प्लस है, जिनकी 2 लाख के प्लस हैं उनके राशन कार्ड भी डिडक्ट हो चुके हैं, उनकी और सर्विसेज भी बंद हो चुकी हैं, जो अनाज मिलता था तेल मिलता था वो सारी बंद हो चुकी हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इनकम वेरिफिकेशन अपनी ज़रूर कंप्लीट करवाएं, ज़्यादा ना लिखवाएं कम भी ना लिखवाएं। ठीक है जी, इनकम जो डाटा आपको सीआरआईडी की तरफ से जो भी कर्मचारी वेरिफिकेशन के लिए आएंगे वो घर घर जाके अब वेरिफिकेशन करेंगे अपने जो कि पिछले 6 महीने की पूरी हो गई है, अब रहते 55 परिवार रह रहे हैं जिनकी वेरिफिकेशन घर घर जाकर कंप्लीट की जाएगी। ठीक है, उनमें हो सकता है आपका भी नाम हो। ठीक है जी, और अपनी वेरिफिकेशन ढंग से करवाइएगा क्योंकि अब वेरीफाई हुआ डाटा आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, ये आज की लेटेस्ट खबर है जो कि आपके साथ लेके आए हैं, आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करते हैं जी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है। अगर इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है किसी कैंडिडेट को करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, किसी को होप मिल जाए जिनकी वेरिफिकेशन अभी तक इनकम की वेरिफिकेशन नहीं लोकल कमेटी से हुई तो उनकी अब इनकम वेरिफिकेशन घर घर आकर होगी, वो अपनी वेरिफिकेशन जरूर करवा लें क्योंकि कई कैंडिडेट्स का ऐसा भी मानना है जी क्या इनकम वेरिफिकेशन से हो जाएगा, तो वेरिफिकेशन से होगा क्या नहीं ये पूछ सकते हो क्योंकि सारा कुछ खट्टर साहब आपको कहीं पर एप्लीकेशन जाने के लिए नहीं दिखाएंगे, आपके घर बैठे ही सब काम होगा, आपका पेंशन लगनी, आपको गवर्नमेंट की स्कीमें मिलनी जैसे आयुष्मान कार्ड, आपके राशन कार्ड, ये सारे के सारे आपके ट्रिपल पी से लिंक हैं, ऑटोमेटिकली ट्रिपल पी से ही सारा काम होगा परिवार पहचान पत्र से, इसलिए अपनी वेरिफिकेशन जरूर इनकम की कंप्लीट करवाइएगा। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।